बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग रिव्यू करने के लिए आए हैं क्राउन सियर 70 जज्बा प्लस का। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके फ्यूल टैंक की तरफ। फ्यूल टैंक के आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक्स हैं। अच्छा, इसके अंदर दो वेरियंट्स आए हैं, एक सिंपल सियर 70 क्राउन की आई है और एक है जज्बा प्लस। तो ये जो वेरियंट है ये जज्बा प्लस है। तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो 9 to 10 लीटर्स तक पेट्रोल रखने की सलाहियत रखता है। और आप इसके ग्राफिक्स चेक कर सकते हैं। बाइक के जो फ्यूल टैंक है उसका जो पेंट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डार्क है अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरी बाइक से। और ये इसके साइड कवर्स हैं और साइड कवर्स के ये ग्राफिक्स हैं। और अब आ जाते हैं हम लोग इसके स्पीडोमीटर की तरफ। स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं, ये जो बाइक है, इस बाइक की जो प्राइस है वो वीडियो के मैं आप लोगों को एंड के अंदर बताऊंगा। और ये बाइक जो है तकरीबन कोई 7 किलोमीटर चली हुई है। लेटर इसका जो है वो जिस कस्टमर ने ली थी उसके नाम पे इशू हुआ है। तो ये आप इसका स्पीडोमीटर देख सकते हैं, खूबसूरत स्पीडोमीटर है इसका। उसके अलावा असम्बली की बात कर लें तो असम्बली की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे आपको थ्रॉटल मिल जाती है, फ्रंट ब्रेक मिल जाती है और ये साइड जो इसके मिरर्स हैं वो मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके असम्बली की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट हाई लो, लाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर लेफ्ट राइट और हॉर्न का अपने देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट साइड पर। फ्रंट साइड पर आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप लाइट मिल जाती है और निकल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको क्राउन की बैजिंग मिल जाती है, हॉर्न मिल जाता है, क्वालिटी भी अच्छी है। और क्राउन की जो क्वालिटी है, इसका जो निकल है इसके भी शाइन काफ़ी ज़्यादा है। और क्राउन के स्पेयर पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और वो बाइक्स में यूज़ किए जाते हैं, क्राउन के स्पेयर पार्ट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके इंजन की तरफ। यहाँ पर आपको यूरो 2 टेक्नोलॉजी का कार्बोरेटर मिल जाता है और ये इसका इंजन है 78 सेंटीमीटर क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। और यहाँ पे आपको 4 गियर्स ट्रांसमिशन मिल जाती है। और ये जो बाइक है 1 लीटर के अंदर 50 to 55 किलोमीटर तक की माइलेज फ्राहम करती है। और पेंट की क्वालिटी की बात कर ले तो बहुत अच्छा है। ये आपको यहाँ पे इसका चेन कवर मिल जाता है। और उसके अलावा अब आ जाते हैं इसके फ्रंट टायर की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्राउन का ही टायर मिल जाता है और यहाँ पे आपको 2.25/17 का टायर मिल जाता है स्पोक्स रिम्स के साथ। और यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। उसके अलावा अब लोग आ जाते हैं इसके सीट की तरफ। तो सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये जो बाइक है ये आपको मिलेगी न्यू जो बाइक है उसकी प्राइस है 1,04,000 और ये बाइक तकरीबन को 6 से 7 किलोमीटर चली हुई है। यह आपको 90,000 की मिल जाएगी। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं शोरूम का एड्रेस मेंशन कर दूंगा, आप इनके पास आ जाएं, बाइक देखें, तसल्ली से चेक करें और ये परचेज़ करें। तो यहाँ पे 2.50/17 का यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है, क्राउन का ही टायर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है और ये इसका एग्जॉस्ट और आप इसका निकल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलर जो इसके फ्रेम का है, इसके चिमटे का कलर है, ब्लैक कलर है, शाइन कर रहा है। रियर पे आपको यहाँ पे इसकी टेल लाइट मिल जाती है, खूबसूरत सी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स की क्वालिटी अच्छी है और फ्लेक्सिबल इसके जो इंडिकेटर्स हैं। तो अभी ये थी जज्बा प्लस जिसका हमने रिव्यू किया। तो आप लोगों ने देखा बाइक, बाइक की क्वालिटी देखी। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं शोरूम का एड्रेस मेंशन कर दूंगा, आप ये बाइक परचेज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम जो है बाइक की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। कहाँ पे बाइक की प्राइस 40,000 हुआ करती थी चाइना की बाइक की, अब कुछ बाइक्स अंडर 1 लाख आप लोगों को मिल रही हैं और कुछ बाइक्स जो हैं वो 1 लाख से ऊपर जा चुकी हैं। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो को ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।